आज की तारीख है 17 मई 1967 का प्रातः क्लास बुधवार। सारी षष्ठी चक्र में व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं, और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे, ना वो बाप है और ना वे बच्चे है। और उन सत्संगों में वास्तव में वो फॉलोअर्स भी नहीं है, ना वो फॉलो करते हैं, सब झूठ ही झूठ है। यहां तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट्स भी हो और फॉलोअर्स भी हो। बच्चे इसलिए हो कि माता पिता के बच्चे हो, स्टूडेंट इसलिए हो कि क्लास करते हो, टीचर से पढ़ाई पढ़ते हो, रेगुलर और पंक्चुअल बनते हो, और फॉलोअर्स भी हो। क्योंकि बाप जब जावेगा तो तुम बच्चे भी पीछे पीछे जावेंगे। बच्चों को साथ में ले जावेंगे, बाबा जावेंगे तो फिर बच्चे भी इस छीछी दुनिया से जाकर अपनी गुलगुल दुनिया में राजी करेंगे। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बैठ जानी चाहिए। कि वो सब झूठ बोलते हैं और बाप तुम्हें सच्ची राह बताते हैं। अंदर में रहने वाली जो आत्मा है वो तुम बच्चों की आत्मा बहुत खुश होती है, और तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी होनी ही चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है जो कि सब का बाप है। उन उन धर्मों के फॉलोअर्स ये नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म पिता साहब का बाप है। क्राइस्ट के 100-150 करोड़ से ऊपर से भी ज्यादा फॉलोअर्स आज दुनिया में है, लेकिन वो भी लिमिटेड है, और सब एक जैसा फॉलो भी नहीं करते। यहाँ तो तुम सब बच्चे नंबरवार फॉलो करते हुए बाप के पीछे पीछे जावेंगे। तो ये सबका बाप है, और ये समझ भी सिर्फ तुम बच्चों को है। बाकी सारी दुनिया में बेसमझ ही बेसमझ है। सारी दुनिया में चलो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक के फॉलोअर्स तो बेसमझ हुए, अपन को ब्रह्मा की औलाद कहने वाले बेसमझ है क्या? वो बच्चे नहीं है,
फॉलोअर्स नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट इसलिए नहीं है कि स्टूडेंट का काम होता है समझ पूर्वक पढ़ाई पढ़ना, टीचर का काम होता है जो भी पाठ पढ़ाता है उसके एक एक शब्द के हिज्जे हिज्जे करके समझाना। तो ब्रह्मा के द्वारा वाणी तो चलाई गई, लेकिन जो भी वाणी चलाई गई उस वाणी में जो क्रॉस करने वाले वाक्य आए उनकी समझ उनको खुद भी नहीं थी, और सामने बैठे बच्चों को भी नहीं थी। अभी भी ऐसे ही वहां चल रहा है, जैसे बोला ये लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है, फिर बोला ये लक्ष्मी नारायण तो समझदार है, दोनों ही वाक्य एक दूसरे को क्रॉस करने वाले हैं। फिर न वहां समझाने वाला और न वहां समझने वाले स्टूडेंट, आज भी वहां ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और यहां तो तुम पक्के पक्के स्टूडेंट हो, तुमको फ्री किया जाता है कि तुम टीचर के क्लास में ही पूछ सकते हो। कोई भी बात की गहराई पूछ सकते हो, पाठ तुम्हारे सामने है। जैसे वो स्कूल होते हैं तो वहां पाठ पढ़ाए जाते हैं, पोएट्री पढ़ाई जाती है, प्रोज पढ़ाई जाती है, टीचर उसका हाथ बैठ समझाता है। यहां भी तुम्हारी पोएट्री है, पोएट्री है मां के मुख से निकली हुई गीत, ज्ञान की गीत, गीता ज्ञान तो कहेंगे लेकिन उसे गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। देवताएं अमृत पीकर देवता बने, अमर बने, या सिर्फ ज्ञान लेकर के अमर बने? अमृत पीकर अमर बने। अमृत तो मंथन से निकलता है, सिर्फ सुन लिया, सिर्फ सुनाई दिया, एक एक वाक्य का मंथन कुछ भी नहीं किया तो अमृत नहीं कहेंगे। बाप तो तुमको अमृत रस देते हैं जिससे तुम अमरनाथ बाप के अमर बच्चे बन जाते हो। बाप बैठ तुमको समझाते हैं कि रावण ने तुमको कितना बेसमझदार बनाया, और बाप आकर के समझदार बनाते हैं। कितने का कोई जवाब है, कितना बेसमझ बनाया? कोई टाइम की लिमिट है? रावण ने 2500 साल तुमको बेसमझ बनाया, बेसमझी सिखाई,
अंध श्रद्धा सिखाई। इब्राहिम ने अंध श्रद्धा सिखाई, उनके फॉलोअर्स ने सिखाई, बुद्ध ने सिखाई, उनके फॉलोअर्स ने सिखाई, क्राइस्ट ने सिखाई, उनके फॉलोअर्स ने सिखाई, लास्ट में कौन आता है? आर्य समाज ही आए, उन्होंने भी अंधश्रद्धा सिखाई कि वेदों से दुनिया का कल्याण होगा। अरे वेदों का अर्थ करते करते तो 2500 साल हो गए। वेदों की व्याख्या हुई तो ब्राह्मण निकले, ब्राह्मणों की व्याख्या हुई तो आरण्यक निकले, आरण्यक की भी व्याख्या हुई उपनिषद निकले, उपनिषदों की व्याख्या हुई पुराण निकले, व्याख्या के ऊपर व्याख्या होती गई। जैसे एक ही गीता की 108 टीकाएं कर दी गई, सच खंड फिर भी स्थापन नहीं हुआ, और ये दुनिया क्या बनती गई? झूठ खंड, झूठ खंड बनती गई। तो आर्य समाजियों ने भी अंधश्रद्धा सिखाई, उसके बाद नास्तिक, नास्तिक तो कुछ पढ़ाई पढ़ाते भी नहीं, वो तो मानते भी नहीं है कि आत्मा क्या होती, परमात्मा क्या होता, स्वर्ग क्या होता, नरक क्या होता, न वो पढ़ते हैं और न वो पढ़ाते हैं। उसके बाद और उसके बाद किसने बेसमझदार बनाया? अरे कोई नहीं बनाया है? यज्ञ के आदि में दादा लेखराज ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए, चारों ओर भटकते रहे, साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन नहीं मिला। गुरु के पास भटके, वाराणसी में विद्वान आचार्यों के पास भटके, अंत में बुद्धि में आया कि हमारी दुकान में जो काम करने वाला था मैनेजर, वो बहुत होशियार था और उससे उनको समाधान मिल गया। समाधान मिल भी गया, खुशी भी आ गई, लेकिन बुद्धि में ये नहीं बैठा कि हमको समझाने वाला कौन, ये बात बुद्धि में पक्की हो गई कि मुझे ब्रह्मा के रूप में कार्य करना है, नई दुनिया में कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। सन 47 में जब सिंध हैदराबाद से भाग करके 300-400 कुमारी और अधर कुमारियां कराची में आकर इकट्ठी हो गई तो खुशी का पारावार न रहा। ओम मंडली का नाम बदल करके क्या हो गया? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय हो गया।
प्रजापिता का तो नाम ही नहीं। ब्रह्मा के रूप में, फाउंडर के रूप में अपने को आगे रख दिया। ये भी बताया कि ब्रह्मा ही है, अगले नए जन्म में जाकर के कृष्ण बनता है। बुद्धि में अच्छी तरह बैठ गया। निराकार शिव ब्रह्मा के द्वारा आकर के साकार में ज्ञान देता है। गीता ज्ञान दाता, साकार में इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता सिवाय कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की सूल के। स्वीकार कर लिया आत्मा ने, गीता ज्ञानदाता साकार में कृष्ण उर्फ ब्रह्मा ही है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। और धारा प्रवाह से सुबह शाम वाणियां चलती रही। जैसे बेसिक नॉलेज के बच्चे होते हैं, उनके सामने कबीर दास की, सूरदास की, तुलसीदास की चौपाइयां, कवित्त दोहे पढ़ने के लिए रख दिए जाते हैं। वो पढ़ते हैं, रटते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन उनके गहरे अर्थ को नहीं जानते। इसी तरह ब्राह्मणों की दुनिया में इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक की ही तरह एक और बेसमझी का पारावार ऊंचा चढ़ गया। इतना ऊंचा चढ़ा कि हर धर्म की मनुष्य आत्माओं ने उस बेसिक नॉलेज के सामने अपनी माथे को झुका दिया। दूसरे धर्म के लोग आश्चर्य खाते थे कि ये कौन ब्रह्मा कुमारियां निकली है, जो एक बार हमारे फॉलोअर्स को तोड़ लेती है तो किसी में कोई ताकत नहीं कि उनको कोई कन्वर्ट करके वापस ला सके। लोगों ने समझा, बड़ी समझदारी, यहां तो बड़ी समझदारी से काम हो रहा है। लेकिन बाबा ने तो बता दिया हमारी वाणी में, सबसे बड़ी ते बड़ी बेसमझी कौन सी है, सबसे बड़ी ते बड़ी भूल कौन सी है, जिस भूल से भारत स्वर्ग से नरक बन गया। बड़ी ते बड़ी भूल है गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ की जगह कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा का नाम डाल दिया गया। और ये बेसमझी अभी तक भी काबिज है, क्योंकि जहां से इस बेसमझी की शूटिंग की शुरुआत होती है वहीं से ही इस बेसमझी की इतिश्री होनी चाहिए। अगर तथाकथित ब्राह्मण
ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपन को कहलाने वाले इस सच्चाई को नहीं स्वीकार करते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज साकार में नहीं हो सकता, तो दुनिया वाले बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, निराकार शिव है। गीता ज्ञान दाता कहा जाता है, ज्ञान देने वाला है तो बिंदु रूप में ज्ञान नहीं दे सकता, देने वाले को कौन सा माध्यम चाहिए, मुख चाहिए। तो गीता ज्ञान दाता का वो साकार माध्यम कौन, जैसे साकार दुनिया में हद की सृष्टि रची जाती है तो सृष्टिकर्ता बाप मां को साथ लेकर के गुप्त में बीजारोपण करता है, यज्ञ के आदि में भी मनुष्य सृष्टि के बेहद के बाप ने बेहद की माता में गुप्त रूप से ज्ञान का बीजारोपण कर दिया। बीजारोपण तो हुआ लेकिन बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष नहीं हुआ, बच्चों के सामने तो छोड़ो, जो यज्ञ की प्रधान माताएं थी वो भी नहीं पहचान सकी और अभी भी ऐसे। तो मुट्ठी भर बच्चे निकलते हो, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हो जो सच्चाई को पहले पहचान लेते, पहले ग्रहण कर लेते। लेकिन जैसे पांडवों का गायन है, पांच पांडव थे, सारी दुनिया विरोधी थी और पांच पांडव भगवान को सपोर्ट करने वाले थे, जो प्रैक्टिकल में इस संसार में आया हुआ था। ऐसे ही अभी भी वही हालत है, ये बेहद की बेसमझी किसने सिखाई, सिर्फ इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक आदि धर्म गुरुओं ने सिखाई या ब्राह्मणों की दुनिया में भी सिखाई गई। बड़े से बड़ा धर्म गुरु कौन साबित होता है, ब्रह्मा। देहधारी धर्म गुरुओं में बड़े से बड़ा गुरु कौन, ब्रह्मा। मुरली में तो प्रश्न किया है रावण कौन, फिर जवाब भी दिया है, जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। गुरुओं में बड़े बड़े गुरुओं का नाम क्या हुआ, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक, ये बड़े बड़े गुरु हुए। जितनी ज्यादा तादाद में इनके फॉलोअर्स हैं उतने ही बड़े गुरु हुए और इन सब गुरुओं को, इनके फॉलोअर्स को, इनके द्वारा फैलाए हुए धर्मों को, धारणाओं को किसने मात दे दी, ब्रह्मा।
ब्रह्मा बाबा के मुख से जो बातें निकली, जो भी फॉलोअर्स निकले, उन सब फॉलोअर्स ने दुनिया के सब धर्म गुरुओं, सब धर्म के फॉलोअर्स को पछाड़ खिला दी। कोई मुकाबला नहीं करने आया। तो गुरुओं के बीच में बड़े से बड़ा गुरु कौन साबित हुआ? ब्रह्मा बाबा, देहधारी गुरु ब्रह्मा बाबा। इसलिए रावण के चित्र में 10 धर्म पिताएं तो दिखाए हैं, सारी दुनिया जिनके फॉलोअर्स है, सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाती है। 5 मुख दिखाए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारी, महाकामी महाक्रोधी महालोभी। कामी इस्लामी, क्रोधी क्रिश्चियंस, लोभी मुस्लिम, महर्षि दयानंद मोही और अहंकारी रशियंस और उनके फॉलोअर्स। फिर इनके वाइब्रेशन को, तामसी वाइब्रेशन को फॉलो करने वाली प्रकृति माता, वो प्रकृति के 5 तत्व जिनके लिए शास्त्रों में कहा हुआ है कि रावण ने इन 5 तत्व रूपी देवताओं को अपनी चारपाई से बांधा हुआ था। अग्निदेव, वायुदेव, आज भी देखने में आता। वैज्ञानिकों ने ऐसी चीज बना दी है, एक उंगली का इशारा करेंगे, बटन दबावेंगे, सारी दुनिया भस्म हो सकती है। ऐसे ऐसे आग के बम बनाए हुए, माना प्रकृति के 5 तत्व, पृथ्वी माता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ये सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। कब तक फंसे रहते हैं? तब तक फंसे रहते हैं जब तक कि बाप बाप के रूप में प्रत्यक्ष नहीं होता। भले गाते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, पहले माता के रूप में आता है, नाम दिया जाता है ब्रह्मा, बड़ी मां, लेकिन गलती से छोटे छोटे बच्चे, अबोध बच्चे मां को ही सब कुछ समझ लेते हैं। उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठता कि मां से भी ऊंची पावर कोई और है। जब वो बच्चे समझदार बनते हैं तो उनकी बुद्धि में बैठता है कि मां तो फिर भी रचना है, रचयिता तो बाप है। ऐसे बच्चे उस बाप को बाप के रूप में प्रत्यक्ष करते हैं तथा कथित ब्राह्मणों के बीच में। जो बाप बाप बनकर के भी आता है,
सुख शांति का वर्षा लेकर के आता है। एक हाथ में कहता है ये रही सुख और ये शांति, सुखधाम का वर्षा और शांति धाम का वर्षा, और दूसरे हाथ में हाथ फैलाकर कहता है पांच विकार दोगे तो ये वर्षा मिलेगा। बच्चों की भी समझ में आता है, बुद्धि में बैठता है कि बुद्धि जो हजार नियामत कही जाती है, जन्म से ही हर मनुष्य को बुद्धि प्राप्त है। ये बुद्धि का महापरिवर्तन तब होता है जब बाप बाप के रूप में आता है। जीते जी बच्चों को समझाता है कि तुम्हें अब जीते जी मरना है देह भान से। और मर करके नया जन्म लेना है, फिर तुम्हें अचिंत्य सुख की प्राप्ति होनी। नई दुनिया का वो वर्षा है और वो वर्षा अविनाशी वर्षा है। वर्षा बाप मरने के बाद नहीं देता, जीते जी ये वर्षा मिलना है। शरीर रहते आत्मा है शरीर के अंदर विराजमान रहे और सुख का अनुभव करे, दुख का अनुभव न करे, ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा हो, ऐसी योग की पराकाष्ठा हो, सुख और शांति दोनों का अनुभव हो, यह है जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति। दुखों से मुक्ति अर्थात शांति, ये वर्षा बाप आकर के देती। नंबरवार बच्चों को अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार ये वर्षा प्राप्त होता रहता है। तो बाप तो आकर के समझदार बनाते हैं, और जो भी मनुष्य धर्म गुरु है वो सब बेसमझी सिखाते हैं। वो बाप की पहचान है कि वो बाप बाप भी है, ज्ञान गर्भ का बीजारोपण करने वाला बाप, और अंत में जब बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है तो सुख और शांति रूपी मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला बाप, वो टीचर भी है। एक ही शरीर से बाप, एक ही शरीर से क्लेरिफिकेशन देने वाला टीचर काहे का क्लेरिफिकेशन देता है। जो ब्रह्मा मुख से ज्ञान का गीत निकला, जिसे मुरली कहा जाता है, उसका भी क्लेरिफिकेशन देता है। और ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा की सोल जो गुलजार दादी में प्रवेश करके धारणा की वाणी चलाती है, धारणा की वाणी चलाती है, ज्ञान की वाणी नहीं। ज्ञान की वाणी तो सिर्फ शिव की सोल ही चलाती है, लेकिन जो देवात्मा है वो दिव्य गुणों को धारण करने वाली होती है।
जो भी सतयुग में देवताएं होंगे उनमें पहला पहला देवता कौन बनेगा? ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा की सोल। भले वो देवताएं बुद्धू कहे जाएंगे ज्ञान के हिसाब से, लेकिन जीवन की धारणा जितनी उनमें होती है उतनी धारणा और कोई मनुष्य मात्र में धर्मगुरु में नहीं हो सकती। इसलिए उन देवताओं का जो पहला पत्ता है वो धारणा की वाणी चलाता है। वो हमारी प्रोज है, मुरली है पद्य और प्रोज है अव्यक्तवाणी। दोनों प्रकार की वाणियों का क्लैरिफिकेशन टीचर के रूप में बाप ही देता है। और तीसरा रूप है सदगुरु का, सदगुरु अर्थात सदगति करने वाला। पहले आत्मा की सदगति करेगा, मन बुद्धि रूपी आत्मा कही जाती है, या पहले शरीर की सदगति करेगा? आत्मा। पहले आत्मा की सदगति करता है। आत्मा सोचने समझने मनन चिंतन मंथन करने योग्य बनती है। मनुष्य कलयुग के अंत में आकर के जानवर बुद्धि बन जाता है, राक्षस बन जाता है, सोचता भी नहीं। ये जघन्य काम करने का अंजाम क्या होगा? न सोचता है न समझता है, उसको जानवर कहा जाता है। बाप आकर के पशुपतिनाथ के रूप में उन पशुओं को ज्ञान की डोरी से नकेल डाल देता है। और वो बाप के बंधन में आ जाती है। मन रूपी घोड़ा जो उछाल मारने वाला है उस लगाम से कंट्रोल होने लगता है। धीरे धीरे मन बुद्धि का सुधार होता है। तो आत्मा की सदगति होती है। आत्मा जब संपूर्ण एकाग्र बनती है तब शुरुआत होती है शरीर के पांच तत्वों की निरोगी बनने की। तो आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का पार ले जाने वाला खिवैया वो बाप सदगुरु के रूप में आया हुआ है। हर बात बात में समझदारी सिखाता है, कोई बात में बेसमझी नहीं सिखाता। तो दुनिया के जो भी धर्मगुरु हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े धर्म नेताएं, राज्य नेताएं, वो पहले पहले नहीं टकराते। कौन पहले टकराते हैं? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक के फॉलोअर से टकराते हैं, या ब्राह्मणों की दुनिया के जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं वो टकराते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारी। इसलिए मुरली में बोला है सत्य जब निकलता है तो झूठों को मिर्ची लगती है। बात बात में झगड़े टंटे शुरू कर देते हैं। अभी बाप कहते हैं
ये ज्ञान का रेवोल्यूशन सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये तो छोटा सा रेवोल्यूशन देखने में आ रहा है। तो मुरली में बोलते हैं बड़ा भारी रेवोल्यूशन हो जाएगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में इन ज्ञान की बातों को लेकर के लड़ मरेंगे। परंतु जिनके अंदर अज्ञान अंधकार छाया हुआ होगा वो हार जावेंगे, ठोकर खा जावेंगे। और जिनकी बुद्धि में सत्य ज्ञान बैठा हुआ होगा, ज्ञान का सोझरा बैठा हुआ होगा, ज्ञान सूर्य जिनकी बुद्धि में चमक रहा होगा, वो विजय पा जाएंगे। क्योंकि भगवान आकर के बेसमझी का ज्ञान नहीं देते हैं, वो तो आकर के तुम बच्चों को समझदार बनाते हैं, उन बच्चों को समझदार नहीं बनाते इनको, जो सम्मुख नहीं पढ़ते हैं, जो सम्मुख नहीं पढ़ते, टीचर के रूप में, बाप के रूप में, सदगुरु के रूप में उस एक बाप को नहीं पहचानते, उनको समझदार नहीं बनाते और तुमको समझदार बनाते। सारे विश्व पर राज्य करने लायक तुम इतने समझदार बनते हो। कैसे? सारे विश्व पर कैसे राज्य करते हो? योग बल। पहले तो है ज्ञान बल। तुम 4.5 लाख सितारे, जिनमें 4.5 लाख सितारे रूपी आत्मा प्रवेश होकर के टोटल 9 लाख सितारे सारी दुनिया में हर धर्म संप्रदाय में ज्ञान की चमक मारे, हर धर्म की आत्मा उस ज्ञान के सामने झुकेगी। इस तरह सारे विश्व पर राज्य करने लायक तुमको समझदार बनाते हैं। ये कोई हिंसक लड़ाई नहीं सिखाते हैं, ये ज्ञान के तीर तलवारों की लड़ाई है। ये स्टूडेंट लाइफ भी 5000 वर्ष में सिर्फ एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। जबकि भगवान आकर के पढ़ाते, कैसी स्टूडेंट लाइफ? ऐसी स्टूडेंट लाइफ जो ईश्वर के स्टूडेंट सारी दुनिया में हर धर्म के ऊपर ज्ञान की चमक मारते हैं, जैसे आसमान के सितारे होते हैं ज्ञान की चमक मारते हैं। तुम बच्चे वो स्थूल सितारे हैं आसमान के, और तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। भगवान आकर के तुमको पढ़ाए रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये बात है कि भगवान हमको पढ़ाते, उनकी बुद्धि में ये बात नहीं है। किनकी बुद्धि में? उन तथाकथित ब्राह्मणों की बुद्धि में ये बात नहीं है कि भगवान हमको आकर प्रैक्टिकल में पढ़ाते। वो क्या समझते? ब्रह्मा पढ़ाते चलेगा। अभी कौन पढ़ाते हैं?
उनकी बुद्धि में क्या है? दीदी दादी दादाएं हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको नहीं पढ़ाते, मनुष्य गुरु हमको पढ़ाते। जो अपने सारे दिन धंधे धोरी आज में ही फंसे रहते हैं, उनको कभी बुद्धि में ये आ नहीं सकता कि भगवान हमको पढ़ाते। कौन सा धंधा धोरी है? पढ़ाने वाले तो पैसे कमाने की धंधा धोरी में लगे रहते। जैसे भक्ति मार्ग में कथावाचक ब्राह्मण होते हैं, तो कोई सच्ची कथा थोड़ी सुनाते हैं। जानते हैं कि हम सत्यनारायण की सच्ची कथा कह करके लोगों को सुनाते हैं, लेकिन सत्यनारायण की जीवन कहानी हम बिल्कुल नहीं जानते। ऐसे ही उन तथाकथित ब्राह्मणों की दुनिया में भगवान की जीवन कहानी, एक अद्भुत जीवन कहानी की कथा कहानियां सुनाते हैं, लेकिन भगवान कौन है ये बिल्कुल नहीं जानते। जैसे और धर्म पिताएं आए गाल बजा के चले गए, दुनिया नीचे ही गिरती रहती है, वैसे ही उनका भगवान भी क्या करके जाता है, आता है ज्ञान का गीत सुना के चला जाता है और ब्राह्मणों की दुनिया नीचे गिरती रहती है। अभी तो तुम्हारी बुद्धि में अच्छी तरह बैठ गया क्या हमको भगवान पढ़ाते हैं, उनको तो अपना ही धंधा दौड़ी याद रहता है। और तुमको तुम्हारे में भी बाप के सच्चे स्टूडेंट वो हैं, बल कारखाने में काम करने जाते हैं, खेती करते हैं, पढ़ाई पढ़ने जाते हैं, लेकिन बुद्धि में क्या चलता है? ज्ञान की बातें चलती है, सेवा की बातें चलती है, संगठन को जो नई दुनिया का संगठन प्रत्यक्ष होने वाला है उसको मजबूत करने की बातें उठती है, संगठन बढ़ाने की बातें उठती हैं। तो उन स्टूडेंट में और तुम्हारे में रात दिन का फर्क। तुम बच्चे जबकि जानते हो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए, चाहिए अर्थात रहते नहीं है। जितना हर्षित रहना चाहिए उतना हर्षित रहते नहीं है। और दुनिया में जो भी बच्चे हैं वो सब हैं पाई पैसे वालों के बच्चे, मिट्टी में मिल जाने वालों की औलाद हैं। क्या वो किसकी औलाद है? उनकी औलाद है जो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। यहां तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम हैं हीरो पाठधारी के बच्चे, ज्ञान रत्नों से खेलने वाले बच्चे, अमरनाथ के अमर बच्चे। कोई बच्चे तो बहुत हर्षित रहते, कोई तो कहते हैं कि बाबा हमारे मुख से तो मुरली ही नहीं चलती है, हम तो किसी को ज्ञान भी नहीं सुना सकते हैं। इतना सुनते हैं
बुद्धि में ठहरता नहीं है। ये भी होता है, क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? इम्प्योरिटी के कारण, इम्प्योरिटी के कारण। हाँ, बनी बनाई बन रही अब कछु बननी ना है। 63 जन्मों में जिन आत्माओं ने जितना श्रेष्ठ संग किया है उनको वैसी ही बुद्धि मिलती है। रामकृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्माओं का संग ही किया है तो उनको वैसी बुद्धि मिलती है। बाप कहते हैं ये ज्ञान तो बहुत सहज है, ये मुरली कोई बहुत थोड़े ही है, जैसे कि भक्ति मार्ग में साधु संत आदि के पास जाते हैं तो कहेंगे कि हमको भगवान कैसे मिले, परंतु वो तो कुछ भी जानते नहीं। गुरु नानक के भक्त गुरु नानक के पास जावेंगे तो गुरु नानक किस तरफ इशारा करेंगे, उंगली से ऊपर इशारा करेंगे, उंगली से ऐसे इशारा करेंगे तो उस भगवान को याद करो बस। तुमको ऐसे थोड़े ही कहा जाता है, कैसे उस भगवान कि ऊपर वाले भगवान को याद करो, तुमको क्या कहा जाता है जो नीचे आया हुआ है कि वो ऊपर वाला तो इस सृष्टि पर साकार में आया हुआ है, तो साकार में निराकार को याद करो। जो उस साकार को नहीं पहचान पाते, उस साकार में निराकार को नहीं जान पाते, वो फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते। बाप कोई नहीं पहचाना तो 16 कला संपूर्ण आत्मा कैसे बनेगी? बाप तो आते हैं नर से नारायण बनाने के लिए, नर से नारायण इसी जन्म में बनता है, अगले जन्म की बात नहीं है। तुम सब हो नर से नारायण जैसे इसी जन्म में बनने वाले, नारायण अर्थात 16 कला संपूर्ण, जिसकी भक्ति मार्ग में मंदिरों में पूजा होती है। नारायण के दो ही रूप हैं जिनकी भक्ति मार्ग में पूजा होती है, जो भी बिरला मंदिर है, जेके मंदिर है, या जो भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर है, उनमें दो प्रकार की मूर्तियां हैं। एक नर से नारायण बनने वाले विष्णु की मूर्ति और एक लक्ष्मी नारायण की मूर्ति। बाकी सतयुग में और भी 7 नारायण होंगे लेकिन उनकी कोई पूजा नहीं होती है क्योंकि वे पूरे पवित्र नहीं बनते हैं। बाप को पूरी रीति नहीं पहचानते, इसलिए उनके जन्म भी कम हो जाते हैं, उनकी कलाएं भी कम हो जाती हैं, उनका सुख भी कम हो जाता है, और शास्त्रों में उनकी कोई शोहरत भी कम हो जाती है। तुम्हारा तो कितना बड़ा मर्तबा बनता है। तो कहेंगे ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? कि उनको कम प्राप्ति होती है और तुमको जास्ती प्राप्ति होती है।
कोई भी इतनी प्राप्ति होती है फिर तुम भी भूल जाते हो? ऐसे नहीं कि तुम्हारे में भी सब बाप और रचना को जानने वाले बैठे हुए। कई कई की तो चलन ऐसी है जो कि बात मत पूछो। वो नशा ही उड़ जाता है जो होना चाहिए। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया में नहीं पढ़ना चाहिए। क्या देवता बन गए? देवताओं के लिए गायन है कि देवताओं के पैर पुरानी दुनिया में नहीं पड़ते। ये क्या बात कह दी? देवमान में नहीं रहना। पैर पुरानी दुनिया में न पड़ना अर्थात ये बुद्ध रूपी पांव इस पुरानी पतित दुनिया में न जावे। कहां रहे? या तो नई दुनिया की प्लानिंग में बुद्धि लगी रहे, या तो बाबा के जो वर्षंश हैं, उन वर्षंश के मनन चिंतन मंथन में लगी रहे, या तो बाबा का ज्ञान दूसरों को सुनाने में लगी रहे। या तो बीज रूप स्टेज जो परमधामी स्टेज है उस स्टेज में बिंदु की याद में निराकारी स्टेज में आत्मा अपने शरीर में प्रकृति के बीच में टिकी रहे। तो कहेंगे कि पांव पुरानी दुनिया में नहीं पड़ रहे हैं। तुम जानते हो कि अब हमारा पांव इस पुरानी दुनिया से उठ गया है। ये दुनिया विषय सागर है, विषय सागर से हमारा लंगर उठ गया है। अब हम क्षीर सागर में जाने वाले हैं। जाने वाले क्यों? गए नहीं है? क्षीर सागर में जाने वाले हैं माने विषय सागर में है लेकिन लंगर उठ गया है, जहाज चल पड़ा है। विषय वैतरणी नदी कहो, विषय सागर कहो, यहां से बुद्धियोग उठ गया है। अभी हम जा रहे हैं। बाप हमको कहां ले जाएंगे? वो भी हमारी बुद्धि में। पहले कहां ले जाएंगे? शांति धाम। पहले शांति धाम ले जाएंगे, फिर सुख धाम। सुख धाम ले जाएंगे। ओम।